हेलो एवरीवन क्यू आर वॉचिंग सीरियल से आप और अब तक की सबसे एक्सक्लूसिव और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हो जाइए तैयार लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हो बिकॉज यहाँ पर आपको मिलती है आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी तो भाई अब यहाँ पर जुनूने दिल हीरा कैसे आएगा और साहिबा के पास वह यही सोच रहे हैं ना हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या होने वाला है शो के दिलचस्प ट्रैक में आगे दरअसल आप ये बात तो समझ ही चुके हैं गैरी को हो चला है अपने ही पिता यशराज पर शक और शही सही कसर पार्थ भी पूरी करता हुआ नजर आएगा द परस की माने तो पार्थ यहाँ पर गैरी को बुलाने वाला है कुछ खास बातचीत के लिए और कहने वाला है उससे कि भाई जब यश तेरा ही सगा नहीं हुआ तेरा बाप होकर के तो वो और किसी का सगा क्या होगा मैं तुझे बता दू कि वो तुझे सिर्फ यूज़ कर रहे हैं और तेरा काम हो जाने के बाद तुझे बिज़नेस और प्रॉपर्टी से निकाल कर बाहर फेंक देंगे जिसे सुनकर पहले तो गैरी के होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उसने यशराज के भरोसे अपनी ही फैमिली के साथ इतना बुरा भला किया लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी सोच समझ के साथ में जाने वाला है साहिबा के पास और साहिबा उसे लेकर जाने वाली है अंगद के पास हॉस्पिटल में जहां पर साहिबा अंगद से कहती नजर आएगी कि तुमसे मिलने कोई आया है जैसे ही अंगद गैरी को देखेगा वो गुस्से में लाल हो जाएगा और कहेगा कि तू यहाँ क्या कर रहा है तभी साहिबा कहेगी कि गैरी हमारी मदद करना चाहता है तुम तो उसकी बात तो सुन लो तभी एज पर सोर्सेज की माने तो गैरी आएगा हॉस्पिटल में अंगद के पास पहले तो मांगेगा माफ़ी और फिर उसे बताने वाला है एक बहुत ही पते की बात अंगद को यहाँ पर गैरी बताने वाला है कि आज यश ने दिल डायमंड की डील करने वाला है एक रशियन क्लाइंट के साथ और मैं चाहता हूं कि हमें वो हीरा वापस मिल जाए ताकि हम सब कुछ ठीक कर सकें और इसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा और मैंने सारी प्लानिंग कर ली है यश एक डील करने जा रहा है एक होटल में जहां पर कुछ यशन क्लाइंट्स आएंगे मैं चाहता हूं कि हम अपने किसी आदमी को रशियन क्लाइंट बना कर के वहाँ औरिजिनल क्लाइंट से पहले भेज दें ताकि वह हीरा सही हाथों में सही वक्त पहुँच जाए तभी अंगद और साहिबा थोड़े से कन्फ्यूज़ होंगे वो कहेंगे लेकिन हम इतनी जल्दी किसको कहाँ से ढूंढेंगे और वो भी जो भरोसेमंद हो तभी गैरी यहाँ पर साहिबा को देखता है और कहता है कि साहिबा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि ये काम तुम अच्छे से कर सकती हो मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं बस तुम्हें अपना गेटअप लेकर के जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम वो रशियन क्लाइंट बनो और यश के साथ डील करो जिन्होंने दिल की और तुम ये बखूबी कर पाओ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और किसी पर मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता साहिबा कहती है कि ठीक है लेकिन अगर उसे शक हो गया तो तभी यश के बारे में बात करते हुए गैरी कहता है कि यही तो तुम्हें काम करना है कि बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ये डील खत्म होने तक किसी को भी शक ना हो बस गैरी और साहिबा और अंगद मिलकर के यही स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं और साहिबा लेने वाली है एक रशियन अवतार रशियन क्लाइंट बनकर के वो पहुंच जाएगी होटल में जहां पर उसे देखकर पार्थ और यश बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये कोई क्लाइंट नहीं बल्कि साहिबा है अब देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि साहिबा कैसे अपनी सूझबूझ के साथ पूरी डील क्रैक करती है जिन्होंने दिल लेती है और लेकर के यश को बेवकूफ भी बना जाती है पहले अगर ऐसा हो जाता है तो भाई कहानी में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट जिसको देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कॉमेंट कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें